गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, आज हम क्लास फाइव के साइंस में चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स का अर्थ ये होता है कि पौधों की वृद्धि या पौधों में विकास। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पौधा हो, अगर वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है तो निरंतर रूप से जरूरत यह है कि वो अपनी वृद्धि भी करे, अपने प्रजनन को पर्याप्त मात्रा में उपस्थित करा सके, ताकि उसकी वृद्धि जो है प्रकृति में बनी रहे। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वी कैन सी वेरियस प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग पौधों की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं उसको अपने चारों ओर देखते हैं। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर नियरली ऑल एनिमल्स। पौधे जो होते हैं वो जो उसके आसपास रहने वाले जितने भी जानवर हैं, सब का सर्वशक्तिमान स्रोत होता है। विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर दियर ऑन फूड बिसाइड फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बिना उन्हें अपने भोजन बनाने के लिए वो मैन्युफैक्चर तभी कर सकते हैं जब उन्हें प्लांट्स प्रोडक्ट जैसे ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल जब तक प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो अपने फूड को प्राप्त नहीं कर सकते। प्लांट्स प्रोडक्ट्स विच आर वीटल टू ह्यूमन बींग्स इंक्लूड फूड एंड वुड प्रोडक्ट्स, फाइबर, ड्रग्स, ऑयल, लेटेक्स, पिगमेंट एंड डिजीज। पौधे का जो प्रोडक्ट होता है वो मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें लकड़ी हो गया और लकड़ी के प्रोडक्ट हो गए, रेशे हो गया, दवाइयाँ हो गई, तेल हो गए, गोंद हो गया और जो रंजक होता है यानी कलर जो होता है वो भी बनते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस दियर ऑन काइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी पौधे जो है अपने जैसे या फिर जो अपनी प्रजनन की प्रक्रिया के लिए जो बीज या फिर जो पत्तियां प्रदान करती है, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। पौधों के जो है रिप्रोडक्शन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है जो निम्नलिखित है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अधिकांश पौधे अपना प्रजनन बीजों के द्वारा करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू दियर बॉडी पार्ट्स। और कुछ पौधे प्रजनन की क्रिया अपने शरीर के जो भाग होते हैं उसकी सहायता से करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीजाणु द्वारा भी प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। आइए देखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर बियरिंग प्लांट्स रेफ्लेशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट। दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है वो रेफ्लेशिया होता है, जिसकी जो जड़े हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। आइए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे, कई बार हम लोगों पहले भी जान चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, सबके लिए जो है फूड सोर्सेज में प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोटेक्टर होता है। क्योंकि जब तक अगर पौधे हमें प्रोडक्ट नहीं देंगे, चाहे हम हो या फिर जो एनिमल्स होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त भी और भी कई फैक्ट हैं जो जिस रूप से पौधे हमें मददगार करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रीन प्लांट्स फिल द एयर विथ ऑक्सीजन विच ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। आप जानते होंगे कि जो हम लोग जब ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं, जब श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उस दौरान हम लोग ऑक्सीजन गैस को सांस में सांस के दौरान लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं।
और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन बनाने के दौरान वो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो शायद फर्दर फ्यूचर में हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना श्वास के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सेकेंड आता है, प्लांट गिव अस टी, शुगर, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ऑयल, वेजिटेबल्स, फूड, पेपर, मेडिसिन, सिटीज। यही ही नहीं, पौधा जो है हमें चाय हो गया, चीनी, कॉफ़ी, फल, तेल, सब्जियां, लकड़ी, पेपर और दवाइयां भी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एक सबसे अहम मुद्दा आता है सॉइल इरोजन, यानी मृदा क्षरण। आप देखते होंगे कि जो मैदानी भाग होता है, अगर वर्षा के दौरान आप देखते होंगे तो वहाँ पे मृदा का क्षरण होता है, लेकिन जहाँ पे अगर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे मृदा का क्षरण नहीं होता, क्योंकि जो वर्षा की जो बूंदे होती है वो डायरेक्ट अगर मिट्टी पे अगर टच नहीं करे तो उसका जो है जो गति है वो गति अवरुद्ध हो जाती है। गति अवरुद्ध हो जाने के कारण जो क्षरण की प्रक्रिया होती है वो धीमा हो जाता है, जिसके कारण जो है सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। सेकेंड है, फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग्स फ्रेश एंड क्लीन एंड ऑल्सो क्लीन वेज। एक बात आप अभी देखे होंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जिसमें अधिकांश चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, जैसे व्हीकल का यूज करते थे और भी कई प्रकार के जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते थे, उनके स्टॉप होने से, रुकने से ये हुआ कि आज हमारा पर्यावरण पहले के तुलना में अधिक संतुलित और हरा भरा नज़र आता है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए करके हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा एनवायरमेंटल कंपोनेंट है यानी पेड़ पौधे हैं, उनकी संरक्षण करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास हरे भरे पेड़ पौधे लगाएं। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ ए सीड, यानी बीज के भाग, पार्ट्स ऑफ सीड, बीज के भाग। आप लोग गौर करके देखें, कोई भी फल खाते हैं उस फल के नीचे एक छोटा सा दाना के जैसा होता है, जिसे हम लोग बीज के नाम से जानते हैं। बीज में एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स इनसाइड द सीड। और जब आप जैसे मूंगफली देखे होंगे, मूंगफली के अंदर या फिर कोई भी चीज़ चना हो गया, चना का जो ऊपर का आवरण होता है वो काफ़ी सख्त होता है, जिसको सीड कोट कहते हैं, यानी बीज आवरण कहा जाता है। और जो उस बीज के अंदर जो छोटे नन्हे पौधे होते हैं, भ्रूण होते हैं, उसकी वो रक्षा करते हैं। द सीड कोट हैज ए टेनी होल थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर। और एक बात ये भी है कि आप गौर से देखेंगे, जो बीज होता है उस बीज के एक किनारे पे छोटा सा छिद्र होता है, जिस छिद्र की सहायता से जो है जो अंदर में जो भ्रूण होते हैं उन्हें जो है पानी प्राप्त होता है, ताकि वो अपनी वृद्धि को बनाए रख सके। सीड लीव्स और कोटाइलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। और जो बीज के अंदर जो पत्तियां होती हैं या फिर जो बाहिदल होते हैं वो बेबी प्लांट्स के लिए पौधों का जमा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में ग्रोइंग प्लांट्स के अंतर्गत कि पौधे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा बहुत से ऐसे पौधे हैं जो रिप्रोडक्शन सीड्स के माध्यम से करते हैं, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के माध्यम से करते हैं, या फिर उसमें जो बीजांड होते हैं उसके माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, भला प्लांट्स के महत्व के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आज अगर हमारी पर्यावरण इतनी संतुलित हुई है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हरे पेड़ पौधों का ही है। और एक आपको एक नोट करने वाला पॉइंट बताए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ ए सीड, यानी बीज के भाग। मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखें और अगली वीडियो देखने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें। धन्यवाद।